हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो मैं अभी स्कूल जा चुकी हूँ एंड टाइम दूसरा फोन नहीं है, अभी दादी भी नहीं है, दादी गए कहीं एंड क्या कहते हैं पापा, तो आपको पता है ड्यूटी है। तो टाइम वैसे आ गई 2:05, मीन्स अब ये नहीं है कि मैं 2 बजे आई हूँ, वो ना मैं 12 बजे आ गई थी, वो मैं व्लॉग बनाना भूल गई। अब आज नहीं डालूंगी मैं क्योंकि कल बनाना भूल गई, आज तो डालूंगी। ये व्लॉग तो डाली थी मैंने फिर भी, तो कल नहीं डाली थी मैंने। देन ना मैं आपको, तो जब आज मेरा पेपर था लास्ट पेपर, भैया का तो कल है एंड डन। सो अभी जो है आज मैंने पता है किसका था, हिंदी लिट। भैया का लास्ट पेपर हार्ड पेपर है, मेरा पहला पेपर ही हार्ड था। जो है पहला और दूसरा पेपर दोनों मेरे हार्ड थे, पहला SST जो नॉर्मल ठीक ठाक था। वैसे तो बहुत हार्ड लगती है मुझे SST, मीन्स हार्ड ही मान लो, बट जितनी देर मैंने पढ़ाई करी ना उसके हिसाब से मुझे SST सबसे ईजी लगी। बहुत देर तक पढ़ी मैं, 7 घंटे तभी तो मुझे इजी लग रही है, नहीं तो मुझे सबसे गंदा सब्जेक्ट लगता है SST। तो आज मेरा हिंदी लिट का पेपर था लास्ट पेपर। मैं 5th के साथ बैठती हूँ, मैं 4th स्टैंडर्ड में हूँ, 5th स्टैंडर्ड बैठती है मेरे साथ। देखो गाइस, बहुत टाइम हो गया ना, मैंने क्या कहते अपना सेल्फी स्टिक यूज़ नहीं करी ना, यही जो ऐसे यूज करते हैं ना, मैंने उसमें ऐसे इसके यहाँ पे ऐसे यहाँ पे फोन रख के हाथ भी पकड़ना ऐसे है ना। तो फिर अभी यूँ तो आज है ना, मैं 5th स्टैंडर्ड के साथ बैठती हूँ भाई, बता देती भाई। 5th का जोन सा पेपर 1st था और वो पेपर हमारा लास्ट है, कितना वो हो गया ना। बस उनका हिंदी लैंग्वेज का था, हमेशा हिंदी लैंग्वेज लास्ट होती है या फिर पहले होती है, पहले तो कभी नहीं होती, लास्ट होती है या फिर बीच में होती है। हिंदी लिट कभी लास्ट नहीं होती, पहले होती है या फिर बीच में होती है। अब क्या पता नहीं क्या हो गया, हिंदी लिट कब से लास्ट होने लगी भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, मेरा पेपर था हिंदी लिट का, मैं लिखा गया एंड माय सेकंड टर्म स्टार्ट होंगे एंड मेरे को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। बुक माइंडिंग करेंगे, मीन्स बुक में कवर चढ़ाना मुझे बड़ा मज़ा आता है। अभी मम्मा बाहर, मम्मा बाहर ही है, मम्मा से पूछूंगी, मम्मा हम सेकंड टर्म के लिए बुक माइंडिंग कब करेंगे, बुक में कवर कब लगाएंगे। जब आपका काम आएगा फिर लगाएंगे। एंड मम्मा भी यहाँ पे ये कर रहे हैं, मम्मा करते हैं, मैं हेलो तो कह दो। हेलो गाइस, चलो अब करो हेलो गाइस। मेरे अब दिखा दी, रुको मैं बैक कैमरा करती हूँ, फ्रंट कैमरे से ना दिखाने में बहुत मुश्किल होती है। कर दिया मैंने फ्रंट कैमरा, तभी जो है ना मैं कॉपीज निकालूंगी ना, तो पंखा बंद कर देती फैन, तो मैं अपनी कॉपीज निकालती। अब मेरे को ये अब मुझे सिलेक्ट करने की कौन सी कॉपी मैं सेकंड टर्म के लिए न्यू लगाऊंगी, कौन सी मैं पाऊंगी। बस तुम्हें हमें कॉपी खरीदने की जरूरत नहीं, एक दो होगी जरूर तो, है ना, क्योंकि हमने ना 1st टर्म के साथ ही ना जब हम मम्मा गए थे ना क्या कहते हैं कॉपीज लेने, रिजल्ट कब का आ गया है ना, कॉपी लेने गए थे ना, तब हमारी ना तभी हमें ना थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कॉपी मिली थी, तभी ना आती मैं कॉपीज निकालूंगी। साथ में मैं अपना वो भी साफ कर दूंगी जो मैं
इसका कवर। मतलब इतने सारे शीट्स पड़े हैं, इतने सारे शीट्स पड़े हैं और मुझे पता भी नहीं कितने शीट्स पड़े भी हैं। अभी तक कौन लिया पूरी ग्रीन, आगे तो भैया वेस्ट भी करती, अब नहीं लेके आएंगे जब जरूरत पड़े, क्योंकि हमें ना ड्राइंग फाइल नहीं लगी। हमें तो वो लगी है फाइल, हम फाइल नहीं कर पाते। जिसमें जिसमें फाइल लगी है बताओ, हमारे स्कूल में तो सबको लगी, जो जो हमें स्कूल में जो मतलब स्कूल में मदद नहीं पढ़ते हैं ना, वो वाले तो पक्का होंगे, तो जरूर लगेंगे। देखो ना गाइस हमारी कितना सही है ना, हमारी ना एक ही बुक है, इसके अंदर इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, जीके, हमें कितनी इजी होती है। तो हम अभी अपनी कॉपी को भाग देंगे, मेरी को कॉपी का मुझे कुछ नहीं पता क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं। हमेशा लगती है मुझे, बचपन से लगती है, मैं तो सिग्नेचर खा रहा हूँ, मैं इसको मैं सिग्नेचर को लाते हैं। एंड मैं अपनी एक डायरी दिखाऊंगी आपको, एंड ये हमें सेकंड टर्म की ग्रीन, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कितना फर्क है। अरे यार मेरे सारे कबर्ड में भैया की क्यों रखी है, ना इंसाफी है। अब तो वैसे दो ही मिले मुझे, अभी तीन चार थे भाई, एक तो वो थोड़े बहुत वो हो गए जिसमें कवर लगा हुआ है थोड़े, और एक और भी थी उसमें ये स्टिकर नहीं लगा। ये तो नाइन तो आ गई बहुत, मुझे पता है ना मैं अपना कवर साफ करती रहती हूँ। अब हम देखेंगे हमें कौन सी कॉपी चाहिए और कौन सी नहीं। मैं दिखाऊंगी कि मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे चेक करती हूँ। मान लो ये मेरी साइंस है, इसका पिंक पेज निकालूँ, इसका तो पिंक पेज यूज़ कर लिया, जिस कॉपी का मैंने पिंक पेज यूज़ कर लिया हो, मान लो इसका मैंने देखो यहाँ पे पिंक पेज यूज़ कर लिया, तो अब मैं इसकी नहीं झूठ नहीं रही, मैं सच में आपके सामने दिखा सकती हूँ, मैं अभी कह दी यूज नहीं करा। ये आइडेंटिफाई
मैच की तो भाई इसको गिनते ही मत, इसको लगेगी नहीं डायरी का तो भाई क्या है, लगा ही दो चल इसको पिन पेज में दूंगा। क्या करती हूँ अभी तो इतना ज़्यादा पेजेस बचे इसको पिन पेज ये नहीं लग रही भाई। ये कंप्यूटर ये ना गाइस हुआ मैंने ना चुप हुए थे फोन है देखो ये जीके की भी लगा ली और कंप्यूटर की भी लगा ली। चलो जीके का तो मेरी गलती है कि जीके की नहीं लगेगी हमें। तो गाइस मेरा ऑलमोस्ट ऑल सब डन है, मैंने कॉपी सिलेक्ट कर दी एक हिस्ट्री साइंस मैथ्स इंग्लिश लैंग और चार कॉपी थी मेरे पास और चार ही कॉपी चाहिए मुझे अम्मा। एंड बस हमें वो कवर्स भी मिल गए, मैंने बोला कि कवर ढूंढने पड़ेंगे ड्रो और खोला सीधा सामने कवर और स्टिकर ढूंढे तो मंगवाने पड़ेगा। अगर मेरे लिए मिल जाए तो बहुत ही, क्योंकि मेरे पास सिर्फ फोर कॉपी चाहिए चार ही कॉपी है ना चार कॉपी यार हो सकता स्टिकर का छोड़ो मैं ऑलमोस्ट तो सब डन है एंड वो डायरी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा ना। तो गाइस अभी जो है ना मम्मा ने ना मेरा बहुत बड़ा प्रॉपर्ट कर दिया अब वो मैं अभी आपको अच्छे से बताती हूँ। तो गाइस मेरे को ये बना के थोड़ा पास्ट में जाते हैं थोड़ा जैसे मैं देखूँगा मैंने मम्मा को क्या बोला बुक बाइंडिंग मम्मा ने क्या कहा था मम्मा ने कहा था कि अभी मैं मशीन ठीक कर लूँ फिर बुक बाइंडिंग फिर आप अभी मम्मा ने बोला अभी मम्मा के सामने बात हो और अब मम्मा कह रहे हैं कि अभी इसमें स्टेशनरी चाहिए वैसे ये मैं कर सकती हूँ कि मम्मा ने क्यों बोला मम्मा ने ऐसे तो बोला नहीं किसी कारण के कारण किसी मतलब के कारण बोला। अब देखो अभी तो वन वीक पड़ा पूरी वन वीक मतलब सॉन्ग की छुट्टी है शादी की तो इसलिए और देखो मैं ना अगर मैं आज बुक बाइंडिंग करूँगी तो फिर अलग से एक मज़ेदार वीडियो नहीं आएगी ना फिर आई एकदम झुका स्टेशनरी वीडियो और बुक बाइंडिंग और भाई एकदम मज़ा आएगा ना मज़ा आता मुझे किस किस को आता हूँ भाई लाइक करके बताओ अगर कमेंट आर टर्नड ऑफ है तो लाइक करके बताओ नहीं तो कमेंट में बताओ मतलब बड़ा मज़ा आता है मेरे भैया को नहीं आता मतलब मज़ा तो आता है बट बाद में जो खिलहरा समेटना पड़ता है ना मेरे सास जो सीर हुआ था मैंने फ़ोन देख रही थी है ना तकिया ऐसे था मैंने सोचा तकिया यहाँ पे है ना मैं ऐसे ऐसे बैठ की और ये चीज़ चुभी कमर में इतनी तेज चुभी मेरे तो इसलिए अब देखना कितनी मतलब वो कल तो आई नहीं थी सॉरी कल इसलिए नहीं आई क्योंकि ना परसों मैंने व्लॉग नहीं बनाई मैं क्या कर रही ब्लैक बोर्ड के होते हुए यहाँ पे और यहाँ पे चला रही हूँ मतलब भाई मेरा ना गायब हो गया मीन्स गाड़ी देखना मेरे ना सारे चौक टूट गए एक बड़ा बड़ा अब ये मैंने ऐसे खुलेआम रख रखा भैया कभी भी आएंगे और यूज और तोड़ देंगे ये मैंने मिनी मिनी सा लिख रखा था थोड़ा बुक तो ये डोट है ना और ये डोट और ये डोट बुक बैंडिंग मम्मा से मैंने तीन चार बारी पूछ ली मम्मा बुक बैंडिंग बुक बैंडिंग बट मेरे दिमाग में उसी बात फिर
अब जब मैंने वॉक करा ना तब तब थोड़ा दिमाग में घुसी मेरे पास क्या कर रही है दिवाली डिश पे तो मैं यहाँ पे ए वो याद है कौन कौन करता है मुझे बताओ कौन मुझे बताओ वन बिग सर्कल अच्छा नहीं बना यार सर्कल ना अच्छे से नहीं होता है गाइस मुझे बताओ कि कौन कौन ऐसा कोर्स करता है मैं तो पहले लोग मुझे पता आप लोग ज़्यादातर ऐसे या फिर ऐसे इन तीनों तरीके के जैसे बनाते होंगे बट असल में बताऊँ कि मैं भी पहले ऐसे बनाती थी पहले नॉर्मल टाइप की बनाती थी फिर बाद में मेरे भैया ने मुझे ये सिखाया ये है क्या ये तो ना तो क्या कहते हैं ये है ना तो ये है और ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये तो मुझे समझ नहीं आता कि ये है क्या देखो गाइस कितना बड़ा पूरा ब्लैक बोर्ड ही भर दिया एंड चौक देख रहे हो One circle, W, Nippo, E. पता क्या होती है जो आपने देखा होगा जो जो पैरा भी देखते हैं ना उन्हें पता है उनकी पूछ नहीं होती क्या ई टाइप ही होती है भाई कितना ईजी पहले अगर हम वैसे करें ना ड्राइंग के हिसाब से तो हमें बड़ी हार्ड लगेगी अगर पीक भी वैसे आ गया ना कि ऐसे पीक वाला चैप्टर हमें सेकंड टर्म में भी करवाया आ जाए ना तो मैं तो मैं पक्का ऐसे ही करूँगी वन सर्कल वन बिग सर्कल अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आज की ब्लॉग में बाय।